उसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता। शायद मैं अपने लोगों को भी ना देख सकूं। ऐसा न कहो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। प्रतिमा की शादी, अपने राजू की शादी, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। भगवान तुम्हारा भला करे बहन। शायद बहुत दिनों से भूखे मालूम होते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खाना नहीं देते? माँ बाप होते तो हम इस तरह गली गली भीख नहीं क्यों मांगते? जब माँ बाप जिंदा थे तो हम भी तुम्हारी तरह राजा थे, पानी मांगते थे। माँ बाप की इज्जत उनके मरने के बाद ही होती है। जीते जी उनकी कदर करने वाले बहुत कम होते हैं। मम्मी। हाँ बेटे, ये कहाँ चला है? ये सब ऊपर का माल है मम्मी। अच्छा खैर, मम्मी वो लंगड़ी हर रोज की तरह आज फिर बेकारों को खाना दे रही है और फिर बाद में तुम्हें बदनाम करेगी कि तुम उसे भूखा रखती हो। जाओ देखो सही, देखो मैं जाती हूँ, अभी खबर देती हूँ उसकी। बहन तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा तो है, लेकिन बड़े भैया और भाभी से यही चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द दम निकल जाए।
बड़े बड़े भाई और भाभी का खाती है और नाम शायद बहू प्रतिमा को मार रही है। जाओ देवी जल्दी जाओ। बहू भगवान ने इसे अपाहिज बनाया है, तू गुंगी बना दे। तो मर गया है, हमें कोर्ट ने मार ले थी। पर इस नजीब गली पर हाथ न उठाया कर। हाथ न उठाया करूं तो क्या करूं इसकी? गली मोहल्ला वालों से तो निंदा करते करते थक गई, अब भिखारियों को पकड़ ली। उनको लाला से कह रही थी कि हम तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, अब मेरा तो जान जल गया। अब जान लेने में बाकी क्या रह गया है बहू? घर के बड़े बूढ़ों का अपमान करना क्या ये दीदी की मार डालने से कम है? तो इस घर में कौन सा अपमान हो रहा है तुम्हारा? बस अब इतना ही बाकी रह गया कि तुम्हें छत पर उठाकर तीर्थ करने निकलो। अरे तुम क्या तीर्थ यात्रा कराओगी बहू? मर जाएंगे तो हरिद्वार फूल भेज देना, यही बहुत होगा हम लोगों के लिए। मरने का इतना शौक है तो मरते क्यों नहीं? और मरोगे भी कैसे? अभी मेरी किस्मत में दिन में तीन तीन बार झूला फूकना जो रखा है तुम्हारे लिए। काना देते हो तो सुनाते क्यों हो बहू? दरवाजे पर बैठे हुए कुत्ते को भी कोई रोटी का टुकड़ा डाल। मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ बहू, आइंदा इस गरीब पर कभी हाथ क्यों उठाना? इसे भी समझा लो हमारी बुराई ना किया करे, वरना दुर्घटना करूंगी या मेरी बच्ची को मार डालूंगी। सुबह हुई और घर में महाभारत शुरू, किसी वक्त तो चलने नहीं दिया करो। मैंने क्या किया है बेटा? बहू प्रतिमा को मार रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ ही उठाया है। अगर आप इसकी बातें सुन लेते तो गला ही घोंट देते। ये आपकी लंगड़ी बहन जितनी बाहर से भोली है उतनी ही दिल की मैली है। ठीक कहती हो बहू, घर भर में एक तुम्हारे ही मन साफ है। सुन रहे हैं आप, दिन रात की सेवा का ये फल मिल रहा है मुझे। अच्छाई का फल अगर अच्छा होता तो ये दुनिया स्वर्ग न बन जाती। दिन भर मिल में जान तोड़कर काम करता हूँ, इन लोगों की हर एक फरमाइश पूरी करता हूँ, उसके बदले में इन लोगों के जले कटे ताने मिलते हैं। भैया तुम तो इससे एक चुंदरी मांग रही है, वो तो अभी तक आए नहीं, फिर ये झूठ मूठ का ऐसा क्यों जता रहे हो? देखिए इसकी जबान, शुक्र है भगवान का कि ये लंगड़ी है, अगर दोनों टांगे बराबर होती तो मारने को दौड़ती। पहली को तुम हारती है, दूसरी को खत्म, चुंदरी कैसे अपने सर से ला के दूं? गुस्सा न करो बहू, दुनिया में जिनके सर पे छत नहीं होती वो भी जी लेते हैं, तो क्या मेरी बच्ची एक चुंदरी के लिए मर जाएगी? ओ, ओ, चुप करो ना माँ, तुम लोग तो सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दो। ये रुपया कहाँ से आ गया? ये ऊपर का माल। ऊपर का माल? समझी समझी, ये ऊपर वाले ने भेजा। जो भी समझ लो, संभाल कर। किस्मत बदलते कुछ देर नहीं लगती है। लेकिन और लाऊं कहां से? अच्छा तो कल लेकर आना, ये लो 10 रुपए, बस चाय पानी कर लेना। अच्छा चलो अपना काम हो गया। आदमी ईमानदार मालूम होता है, 10 रुपए तो दे गया तो क्या बाप के घर से दिए हैं? 490 तो हजम कर गया और 10 दे के दानी बनता है। चल कमरे में कोई आया था क्या? कमरे में? हाँ।
थी वो लंगड़ी। लेकिन बात क्या है मम्मी? अरे बटुआ में 500 रुपए रखे थे और ना बटुआ है ना 500 रुपए है, जरूर वो लंगड़ी ले गई होगी, अभी मैं खबर लेती हूँ। मम्मी पूछना नहीं है। बोला बटुआ कहाँ है? बटुआ कैसा बहू? अपनी लाडली से पूछो जिसने चुराया है। नहीं माँ, मैंने नहीं चुराया भाभी। तो बहू तो हर बात पे मेरी लड़की पर शक करती है, विश्वास न हो तो तलाशी ले ले। तो तुम क्या समझती हो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने तो इस कमरे के बाहर कदम भी नहीं रखा। झूठी, अभी पता चल जाएगा तुमने कहाँ छुपाया है। रहे दिन रात देखो मेरा दाया हाथ, दाया हाथ, दाया हाथ।
रहे दिन रात देखो मेरा दायां हाथ दायां बाग बगीचे यही बनाए खोदे धरती फूल उगाए बाग बगीचे यही बनाए खोदे धरती फूल उगाए छुपा हुआ माटी में सोना ढूंढ के लाए ढूंढ के लाए हुआ माटी में सोना ढूंढ के लाए ढूंढ के लाए आप ये अपनी मदद करे तो मालिक भी दे साथ इस साथी मेरा बड़ा पुराना जाने खूब साथ निभाना साथ रहे साथ देखो मेरा दायां हाथ सीधा सादा साथी मेरा पहने ना ये कभी अंगूठी मेहनत ही को देवर समझे हार सिंगार को दौलत झूठी मेहनत ही को देवर समझे हार सिंगार को दौलत बरसात इस साथी मेरा बड़ा पुराना जाने खूब साथ निभाना साथ रहे दिन रात देखो मेरा दायां हाथ दायां साथ रहे दिन रात देखो मेरा दायां हाथ दायां हाथ वाह वाह राजू भैया सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी कविता के जोश से पूरे दिन का काम आधे दिन में खत्म हो जाता है तुम्हारी तुम्हारी दुनी होनी चाहिए अरे दुखिया जो मिलता है वही मिलता रहे तो हम सुखिया हो जाएं सुखिया सच कहते हो भैया राजू भैया दफ्तर में तुम्हारा तार पड़ा था वो ले आया हूँ कैसा तार है भैया मेरी माँ बीमार है तो जल्दी जाओ ना भैया जल्दी जाओ आई एम सॉरी मिस्टर राजू न तुम्हें छुट्टी मिल सकती है और न एडवांस लेकिन क्यों मैनेजर साहब इसलिए कि छुट्टी तुम्हारी ड्यू नहीं है और एडवांस देना हमारी कंपनी का कानून नहीं मैनेजर साहब थोड़ी देर के लिए अपनी कंपनी के कायदे कानून बदल दीजिए मेरी माँ सख्त बीमार है मैं उसके पास जल्द अजल्द पहुँचना चाहता हूँ मैंने कह जो दिया राजू कि मैं कुछ नहीं कर सकता आखिर तुम्हारी माँ बूढ़ी है ना उसके लिए इतना परेशान क्यों होते हो उसकी बातें करो मैनेजर साहब आदमी पैदा होता है तो माँ के पेट से पलता है तो माँ का दूध पीकर और जिंदगी में आगे बढ़ता है तो माँ के आशीर्वाद से जो बेटा अपनी माँ के दुख पे हाजिर नहीं हो सकता वो बेटा नहीं पत्थर है देखो मिस्टर ये मेरा दफ्तर है मजदूरों का अड्डा नहीं जहाँ पर तुम लेक्चर दिया करते हो मैंने सौ बार कह दिया कुछ नहीं मिल सकता चले जाओ यहां से मैनेजर साहब आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया होगा उसी माँ के नाम पर मुझे बंबई तक का किराया उधार दे दीजिए मैं आपको लौटा दूंगा ये कोई यतीम खाना नहीं है तुम्हारे ऐसे सैकड़ों भीख मांगने वाले यहां आया करते हैं भगवान से डरो मैनेजर हो सकता है जिंदगी में ऐसा वक्त भी आए जब तुम्हें भी धड़कनों को भी कतार में खड़े रहना पड़े और उस दिन तुम्हें भीख मिल जाए चलो ओए
क्या बात है? ये लो, इसे बेचकर रेल का टिकट खरीद लेना। जी, लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारे मैनेजर की माँ हूँ बेटा, मैं तो तुम्हारी भी माँ हूँ, मैं सब कुछ सुन रही थी। ये लो बेटा। जी नहीं। इनकार न करो, लो बेटा, माँ की बात नहीं मानोगे? बेटा कितना ही संदिल क्यों ना हो, माँ माँ होती है, लेकिन माँ मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतार रहा हूँ? बस बेटा बस, इतना ही करना, बेटा कहा सुना भूल जाना, उसे बद्दुआ नहीं देना मेरे नाल। जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देखते होंगे, जाओ मेरे बच्चे। बाबूजी मेरी पेटी थी, सो पेटी में टिकट थी मेरी। बाबूजी मेरी पेटी कोई ले गया बाबू? बाबू बहाना ही करना तो कोई नया बहाना दो, ऐसे बहाने तो मैं रोज बीसों सुनता हूँ। बाबूजी बहाना नहीं, मैं आप सच कहता हूँ, यकीन मानिए, मैं मेरी पेटी थी, उसमें टिकट थी, पैसे भी थे, कपड़े भी थे, सब कुछ था। कहाँ तक का टिकट था तुम्हारा? जी बंबई तक का। अच्छा पैसे बताओ, दूसरा टिकट दे। बाबूजी मेरे पास पैसे तो नहीं है, सब कुछ उसी में था। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ऐसा करो, तुम इसी स्टेशन पर उतर जाओ, रेलवे पुलिस को जाकर रिपोर्ट करो। लेकिन बाबूजी मुझे बंबई बहुत जल्दी पहुँचना है। रेलवे तुम्हारा देरी या जल्दी से बंबई पहुँचने का जिम्मेदार नहीं है, प्लीज कहता हूँ, प्लीज हरिया चलिए। देखो तो मेरी साड़ी में कैसी लगती है? लगती तो बड़ी अच्छी हो गई थी, पर ये साड़ी ली कहाँ से? माँ भाभी ने कहा था इसे पैक करके रख देना, तो माँ हम इतनी कीमती साड़ी तो खरीद नहीं सकते, तो मैंने सोचा इसे ही दो घड़ी पहनकर अपना दिल फैला लूं। मैंने तुझे सौगंध दी थी ना कि भाभी से कोई चीज न मांगना। ये सब छुपा कर पीनी है? उतार दे इसे प्रतिमा, बेटे उतार दे इसे। अच्छा माँ, लेकिन पहले मैं अपनी सहेली को सिर्फ एक बार दिखाई हूँ माँ, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि मैं कोई ऐसे वैसे माँ बाप की बेटी नहीं हूँ। अच्छा माँ, फिर मैं आती हूँ, थोड़ा उतार दूंगी माँ। मैंने जाती माँ, लेकिन सुन बेटी, मैं आई माँ। बेटी देवी, देख प्रतिमा, देवी जाने दी तो बच्चा, तुम जरा ये चीज दो। डैडी आप अभी तो नहीं मिले थे? नहीं बेटा, आज जरा देर से जाऊंगा। लेकिन ये टोली आज आई किधर से? आई नहीं डैडी, जा रही है। आज बरसात का पहला छिटा पड़ा है ना डैडी, हम सब मिलकर घूमने जा रहे हैं। अच्छा। चले जाओ डैडी। हाँ, ये नहीं कोई पूछने की बात है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डैडी।
बरखा कुछ भी ले जाओ। हाँ हाँ साहब के ले जाओ। बरखा, ओ बरखा, मिलना जी बरखा कहाँ है? अजी अभी अभी मुझ पर बस रही थी। पंडितान, ओ पंडितान, क्या है? अभी तो कह रहे थे तीन दिन तक बातें नहीं करूँ मैं तुमसे। देवी जी, ओहो, आज फिर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? बेबी जी, झगड़ा तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इसके बाप ने मेरे बाप से इसके लिए बात पक्की की थी। देखो पंडित, मेरे बाप का नाम लिया था। अरे मैं क्यों ऐसे आदमी का नाम लेने लगा जिसके घर में तुम जैसी झगड़ालू लड़की पैदा हुई हो। इतनी झगड़ालू हूँ तो मैं क्यों नहीं जाने देते? छोड़ो भी बरखा, तुम लोग तो हर सुबह झगड़ा करते हो और शाम को सुना। बेबी जी, आप नहीं समझती, ना ये मुझे छोड़ सकती है और ना मैं इसे छोड़ सकता हूँ। ये तो हम जरा जिंदगी के लिए झगड़ा कर लेते हैं। चलो बरखा, हमारे साथ मोटर में चलो। ये पहली घटा सावन की, ये भीगी हवा
फिर देखेंगे। अरे ये तो पंचर हो गया। अब क्या होगा? ठहरिए ठहरिए, हमारी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है, आप पहिया बदलने में कुछ मदद कर सकते हैं? जी हाँ मैं कर देता हूँ। ठीक, वो जरा सामान। जी हाँ मैं देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी, इन्हें कुछ पैसे दे दो। जी नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं तो अपनी गाड़ी में थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए, मैं बम्बई पहुंचना चाहता हूं। मेरे पास पैसा भी नहीं जो मैं ट्रेन या बस में सफर कर सकूं। तो क्या आप बम्बे से पैदल ही जा रहे थे? जी हाँ, एक गरीब और मजबूर आदमी और कर भी क्या सकता है इंसाफ। और फिर माँ की बीमारी की खबर सुनकर कौन चैन से बैठ सकता है? बस मुझे घर तक पहुंचा दीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखा बरखा, इस जमाने में भी माँ बाप की चिंता करने वाले लोग बाकी हैं। चलिए, आपको घर तक पहुंचाना मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। आइए आइए ना। जी नहीं, आप लोग बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। यही कहीं बहू, आज सोहन का जन्मदिन है ना, एक ही सब्जी पकी है। ये तो अंधे हैं, तुम्हें भी क्या कम दिखाई देने लगा है? सब्जी के साथ प्याज जो रखी, प्याज सब्जी नहीं होती क्या? बहू इनकी भूल हो गई है, मैं बहुत दिन से मीठा खाने को तरस रहा हूँ। सोचा था आज सोहन का जन्मदिन है, आज मुझे शायद मीठा नसीब हो जाए। मीठा तो बना है लेकिन खाकर हजम कौन करेगा? बीमार पड़ गए तो उसकी चिंता तुम न करो बहू, जब तक मैं जिंदा हूँ इनकी सेवा का कष्ट तुम्हें न होने दूंगी। मेरे लिए न सही, इनके लिए थोड़ा सा एक कटोरे में ला दो ना। अच्छा मीठा लाए देती हूँ। जीती रहो बेटा, बुढ़ापे में मीठा खाने का शौक भी पूरा कर लो। लो, लो, खा लो। क्या हुआ? बहू ने मीठा तो जरूर खिलाया मगर उसने मिट्टी का तेल डाल के। ये कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ देवी। बहू बहू, देवी तुम आना जा। बहू क्या बात है, चिल्लाती क्यों? अगर हम लोगों से इतना ही बैर है तो सोते में गला घोट देना। ये खीर में मिट्टी का तेल क्यों मिला दिया तूने? राम राम राम। नेकी करो और जूता खाओ। बुढ़ापे में जबान का सवाद बिगड़ गया और कौन सी मुझे हो? खा
खाना हो तो खाओ, वरना जपो राम नाम। नमस्ते। जीते रहो। तुम कहाँ से टपक पड़े? भाभी पहले ये बताओ कि माँ कैसी है? उससे क्या हुआ है, हट्टी कट्टी तो है, अंदर जाके देख लो मजे से छोड़ा रही है। लेकिन वो तो बीमार थी। इतने मेरे भाग्य कहाँ, जो बीमार पड़े और मैं उसकी सेवा करूँ। सामान कहाँ है तुम्हारा? पहले पहले नौकरी से आए हो, भाभी के लिए भी कुछ लाए हो? बस भाभी अपने आप को ही लेकर आया। तो फिर जाओ माँ के पास। माँ राजू बेटा, मैं तुझे देख तो नहीं सकता, तुझे गले से लगा के अपना कलेजा ठंडा कर लू। राजू जब तू यहाँ से गया था तो तेरा शरीर इतना कमजोर तो नहीं था? राजू की माँ जब कोई कमजोर तो नहीं हो गया? जी नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल अच्छा बना। अच्छा बेटा माँ, राजू राजू माँ, राजू माँ, प्रतिमा का तार देखा मेरी तो जान ही निकल गई। शुक्र है भगवान का तुम अच्छी तो हो। लेकिन एक बात तो बता माँ, भैया तुम लोगों की देखभाल ठीक करते हैं ना? माँ पिताजी बात क्या? पिताजी बेटा हम कुछ न करेंगे। तो माँ तुम हो कर बोलते क्यों नहीं? माँ बोलो ना, बात क्या है? माँ बेटा मुझे अपना तो दुख नहीं है, लेकिन जब तेरे पिताजी का अपमान होता है तो मुझसे नहीं सहा जाता। देख देखे खीर की कटोरी देख। दीदी इससे कुछ ना कहो, मिट्टी का तेल समझा, ये सब भाभी की करतूत है। भाभी, ओ भाभी, कुछ माँ, ओ भाभी, भाभी, कब तक छुपेगी हैं? चल, शर्म नहीं आती बड़ी भाभी का हाथ पकड़ते हुए? मैं तेरी माँ बराबर हूँ। अरे बच्चा माँ का हाथ नहीं पकड़ेगा तो और किसका पकड़ेगा हैं? चल तो मैं तेरे करतूत दिखाऊँ। चल मुझे, चल, 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 पहले ये खीर का फिर भागना। वो तो ठिकाने है, ससुर का जूठा खाने को कह रहा मुझे। अगर ससुर का जूठा खाएगी पिछले जन्म के नहीं तो इस जन्म के पाप जरूर धुल जाएंगे। पाप किए हैं वही खाए, मैं नहीं खाती। तू कैसे नहीं खाती? मैं तुम्हें जरूर खिला। अरे आप तुम रही है बैठा की आया ना मजा ले खा थोड़ी और खा। तू तो करती क्या करती? मैं पीने पीने बाद खाए। कौन राजू? लेकिन हाथापाई क्या हो रही? भैया भाभी को खीर खिला रहा था। देखा आपने, ये है आजकल के देवर। किस बेहयाई से मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ा, कोई देख लेता तो कुछ का कुछ समझ लेता। शर्म नहीं आती तुम्हें भाभी का हाथ पकड़ते हुए? दो रोज बाहर की हवा क्या लग गई कि चाल चलन बिगड़ कर रह गया? भैया जी अपनी तो ना चाल बिगड़ी है ना चलन बिगड़ा है, लेकिन इस घर का नक्शा जरूर बिगड़ गया है। इसे सुन कर देखिए, भाभी पिताजी को खीर में मिट्टी का तेल पिला रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मिट्टी का तेल तो आजकल दूध से भी महंगा है, तो बिल्ली बिल्ली गिरा रही होगी। ये खड़ी है बिल्ली आपके सामने। शाबाश बखुरदार, खूब बड़ी भाभी की इज्जत कर रहे हो। और शाबाश आपको भी, जो अपने बुढ़े माँ बाप को मिट्टी के तेल जैसी महंगी चीज पिला रहे हैं। जान पड़ता है आज तो लड़ने की ठान कर आया है। आया तो कुछ और सोच कर था भैया, लेकिन माँ बाप की यह हालत देखकर अब लड़ना ही पड़ेगा। बड़े भाई से लड़ेगा? राजू नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुम आपस में झगड़ा हमारे लिए न करो। आप चुप बेटा, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा कि माँ बाप का अपने बच्चों पर कितना अधिकार होता है। मैंने कौन सा इनका अधिकार छीन लिया? इनके लिए जो कुछ करता हूँ मैं ही तो करता हूँ, तू तो नहीं करता। अगर आप कुछ करते भी हैं तो एहसान किस बात का जताते हैं? पिताजी ने आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, कर्ज लेकर बीए तक तालीम दिलवाई, उन्होंने तो कभी एहसान नहीं जताया। आप दो वक्त की रुखी का देते हैं, अपने आप को देखिए उनका कमा देखिए। बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो ये समझे जैसे ये आपके लोग। अपनी जितनी हिम्मत है उतना कर रहे हैं, इन्हें किसी सिंहासन पर बिठाना है तो तुम बिठा लो। भाभी मेरे पास सिंह है, लेकिन सारा घूम जरूर बिठा सकता हूँ। हिस्सा मुझे दे दो। हिस्सा? कैसा हिस्सा? चल ऐसे घर में रहना भी क्या। चल शाबाश। ले लो ले।
दे लो दुआएं माँ बाप की हो, दे लो दे लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की, दे लो दुआएं माँ बाप की। माँ की आंख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, गोद में माँ की आंख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, दे लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की, दे लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं, दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सर पर भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं, दे लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की, दे लो दुआएं माँ बाप की। पिता के चरण छुए जो चार धाम की रथ फल पाए, मात पिता के चरण छुए जो चार धाम की रथ फल पाए, जो आशीष ये दिल से दे भगवान से भी ताली ना जाए, भगवान से भी ताली ना जाए, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उठ देगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। हो बेटा प्रसाद लो, पुजारी जी यहाँ कुछ रहने का इंतजाम हो सकता है? भगवान के घर में जगह की क्या कमी, परदेसी हो क्या? जी परदेसी थे तो नहीं लेकिन हो गए। घबराओ मत, जब तक किसी दूसरी जगह का इंतजाम ना हो जाए भगवान के चरणों में यहीं कहीं रहो। धन्यवाद प्रभु। बड़ा अच्छा से उतरा है पिताजी, आइए आप यहां लेट जाइए। अब तू कहां से रहेगा बेटा? मेरी चिंता मत कर माँ, मैं यही कहीं लेट जाऊंगा। क्यों बिस्तर नहीं है, जमीन पर लेटोगे? जमीन से अच्छा बिछोना और क्या हो सकता है पिताजी, और फिर वो भी भगवान के मंदिर की जमीन जहाँ से मिट्टी लोग सारा आंखों पे लगाते हैं। आइए आप
ए मकड़ी किधर ले प्रसाद। चलो भैया अब तुम भी मेरा सुखा। अरे भैया ये तो भगवान का प्रसाद है तुम क्यों नहीं खाते। देख बहन मैंने कसम खाई है जब तक तेरे लिए अच्छी सी चुनरी नहीं लाऊंगा ना कोई मीठी चीज। भैया चुनरी तो आती रहेगी तुमको खाना पड़ेगा। चलो नहीं पगली हो गई क्या। नहीं नहीं भैया मैं तुमको खिला करो भैया की बात मानते हैं वो तुम खाओ 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 खाओ। चलो अरे वाह बेटा इतने दिन तूने कमाया कुछ बचाया तो जरूर होगा। दौलत की झूठी कमाई का क्या पूछते हैं असली कमाई तो अब कर रहा हूं। अच्छा बेटा बहुत रात गई सो जा। कोई बात नहीं सो जाओ बेटा बस सो जाओ। शाबाश दीदी जी मालकिन को गुजरे आज 12 साल हो गए लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हो। बेटा सरिता हर साल की तरह तुम्हारी माता जी की यादगार में आज भी तुम मंदिर में जाकर गरीबों को मिठाई बांट कर आओ। मालिक इन्हें जाने की क्या जरूरत है मैं ये काम कर लूंगी। तुम ही चली जाओ मकसद तो हमारा तुम्हारी यादगार में दान पुण्य से ही है। एक और दो राजू बेटा राजू क्या राजू कहीं गया है। हाँ खाने पीने का कोई बंदोबस्त कम ही चला गया है आता ही होगा। प्रतिमा प्रतिमा उठ बेटी देख सुबह हो गई हो थोड़ा उठ बेटी उठ। अच्छी कौन राजू बेटा है ना। राजू तो नहीं कोई और लड़की है मैं राय साहब की नौकरानी हूँ। आज उनकी पत्नी की मरण तिथि है ये पुण्यदान उनकी तरफ से है। मगर देवी जी हम तो कोई भिखारी नहीं। क्षमा करना भूल हो गई ये तुम्हारे ये मेरे माता पिता रात काटने के लिए मंदिर में आश्रय ले लिया था। लेकिन तुम्हारा तो इस शहर में अपना मकान था ना। कल तक था लेकिन आज से मेरे बड़े भाई और भाभी का हो गया। समझी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया होगा निर्दय को बूढ़े माँ बाप पर दया थी ना। चलो मेरे साथ मैं तुम्हारा रहने सहने का बंदोबस्त कर दूंगी। हमारे पड़ोस में बहुत से मिल मजदूरों के घर है मेरी उनसे बहुत बनती है कोई इनकार न करेगा। लेकिन एक गरीब का दूसरे गरीब पर बोझ क्यों डाला जाए। गरीब को बोझ उठाने की आदत होती है। चलो इस तरह बूढ़े माँ बाप को लेकर यहाँ सब पर पड़े रहोगे। लेकिन बहन तुम्हें कुछ तकलीफ तो ना होगी। किसी का भला करने में खुशी होती है या तकलीफ। चलो तुम अपना असबाब बांध लो मैं इसमें में बाकी मिठाई बांटे देती हूँ। भगवान काश तेरी दुनिया में सभी सही होते। अरे युवक की कविता कह गया।
सुंदर कविता, एक एक शब्द में कितनी गहराई। अरे बरखा, अरे बरखा, मिठाई बांटने में आधा दिन लगा दिया तूने, बड़ी कामचोर हो गई है। मुझे क्या पता था कि मिठाई बांटने जाऊंगी और वहाँ वो मिल जाएगा। हाँ कौन मिला तुझे? वही जिसको कल आपने मोटर में घर पहुंचाया था। अच्छा वो, लेकिन मंदिर में क्या कर रहा था? राम का नाम ले रहा था, और क्या कर रहा था? बेचारे को बड़े भाई ने माँ बाप और लंगड़ी बहन के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे भले आदमी का कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन बरखा तू तो अपने साथ क्यों नहीं गई? तो क्या वहीं छोड़ के आई हो? अच्छा तो साथ ले आई हो, बताओ कहाँ है? मिल मजदूरों के क्वार्टर में। मैंने आपके घर आने के लिए कहा तो कहने लगा कि मैं अमीर जादी के घर नहीं जाता। मैंने कहा मैं तो गरीब जादी हूँ, मेरे साथ चल। वो बड़ी मुश्किल से माना, मैं उसे रामू मजदूर के साथ वाले कमरे में छोड़ के आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया बरखा, मैं डैडी से कहकर उसे नींद में नौकरी भी दिलवा दूंगी। ना 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 ना, ऐसा जुल्म न करना बेबी जी, वो तो अमीरों के नाम से चल जाता है। नौकरी दिलवा देना, लेकिन ये ना बताना कि आपने दिलवाई है, मेरा नाम लगा देना, बस मान जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बरखा, एहसान वही होता है जो जताए बगैर किया जाए। लेकिन बरखा आज शाम को तुम मुझे उस कॉटन में लेके नहीं कहो तो भी ले चलो बेबी जी। चल हाँ रसोई का काम कर दे, पंडित मेघनाथ जी सुबह से 100 बार पूछ चुके हैं। हाँ पंडित का धंधा ही क्या है, सामने रहूं तो झगड़ा और दूर रहूं तो प्यार। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सर पर भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की। मैं खुद ही खा लूंगी, पहले तू खाओ ना। अरे पगली तू खा, मैं तो खा लूंगा। कौन है? अरे भाई अंदर आ जाओ। आप जी देखिए आपके लायक कोई जगह तो नहीं, लेकिन मैं कहां बताऊंगा आपको कुछ नहीं। इतनी घबराने की क्या बात है, मैं यहीं बैठ जाऊंगी। आप और यहाँ इसमें हल्की क्या है, आप बैठे हो ना। कहिए कैसे तकलीफ की आपने? तकलीफ कैसी, अब तो आप हमारे पड़ोसी हैं, सोचा आपकी खैरियत पूछा। जी खैरियत तो जो है वो सब नजर आ रही है, शायद बरखा ने आपको हमारा पता बता दिया। मैंने कमबख्त से कहा भी था कि ये मुसीबत के दिन चोरी छुपी गुजार नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने पता बता ही दिया आपको। बरखा ने अगर पता बता दिया तो क्या हुआ, वो तो आपकी हमदर्द है। जी हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना मुसीबत में ज्यादा हमदर्दी कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। उसने हमदर्दी से आपको हमारा पता बता दिया, आप हमदर्दी से हमारा हाल पूछने चले आए। अब मैं इस परेशानी में हूँ कि आपको बिठाऊं कहाँ, आपको खिलाऊं क्या, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे कोई तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं तो यही आप लोगों का हाल चाल पूछने के लिए आई थी। बहुत शुक्रिया आपका। राजू बेटा। हाँ माँ। ये रानी कौन है?
मां इनके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ किसी बड़े बाप की बेटी है। जी, बड़ा नाम तो भगवान का होता है। मैं जनता मिल के मालिक राय बहादुर बद्रीनाथ की लड़की हूँ। राय बहादुर बद्रीनाथ की लड़की? फिर तो बेटी तो मेरे सोहन को जरूर जानती होगी, वो जनता मिल में तो काम करता है। सोहनलाल, वो तो हमारी मिल के मैन के हैं, आपके कौन होते हैं वो? सोहन? सोहन मेरा बड़ा लड़का है बेटी। ये क्या कहा आपने? जो आदमी एक मिल का मैनेजर हो, उसके माँ बाप का ये हाल? मैं पिताजी से कहकर जरूर सोहनलाल जी को सीधे रास्ते पर ले आऊंगी। देखिए, आप मेरे भाई के बारे में कोई बात मत पूछिएगा। वो क्यों? जी इसलिए कि अपने भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और दूसरे मैं नहीं चाहता कि राय साहब किस बात का पता चले। इससे एक तो मेरे भाई की इज्जत राय साहब की नजरों में खिंच जाएगी, और दूसरे अपने भाई को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मैं किसी बेगानी का एहसान नहीं उठाना चाहता। आपकी जिद तो दुनिया से निराली है। जी जिद ही सही, मगर अपनी तो है। आप इतना वादा कीजिए कि इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। अगर आपकी इसी में खुशी है तो मैं खामोश रहूंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटी। नमस्ते। कितना अच्छा स्वभाव पाया है। ए भैया, इतने बड़े आदमी की लड़की से तुम इस तरह अकड़ के क्यों बात करते थे? अरे पगली, हमारे पास धन दौलत नहीं तो क्या कर भी छोड़ दे। चल खाना खा। ले। मैं अंदर आ जाओ। हाँ बरखा, तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत चाहिए। बरखा, कैसे है? तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर लाई हूँ। क्या मजाक करती है? अरे बहन, हमें कौन भेजेगा मनी ऑर्डर? अरे भैया, नौकरी की चिट्ठी है, हर महीने की पहली तारीख को यही मनी ऑर्डर बन जाया करेगी। पढ़ो तो सही, पता चल जाएगा तुम्हें। अरे ये तो जनता मिल का अपॉइंटमेंट लेटर है। समझा, सरिता देवी ने अपने पिताजी से जरूर मेरी सिफारिश की होगी। क्यों जी, वो क्यों करने लगे? क्या हम दस साल राय बहादुर की सेवा नहीं करते? तुमने की थी सिफारिश? क्या कहा? कह दिया था, मेरे मैके से मेरा सतेरा भाई आया है, हाथ पांव का मजबूत है। क्यों? मालिक सरिता बहन को ना कह सकते हैं, मुझे नहीं कह सकते। फौरन अपने काफी रोग जमा रखा है तुमने अपने मालिक। तो क्या पूछे, नौकर हराम खोर न हो तो मालिक भी उससे डरता है। ठीक कहती हूँ मैं। अच्छा भैया, मैं जाऊँ, आज के काम पे चले जाना। अरे मैं तो भूल ही गई, लाई तुम्हारे लिए और ऐसे वापस ले जा रही थी। क्या है बरखा? थोड़े कपड़े हैं, ले लो। ना बरखा, तुमने मुझे नौकरी दिला दी, बस काफी। फिकर क्या करते हो भैया, आज से तुम्हारी पगार चालू हो जाएगी, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे दिया करना। अच्छे कपड़े पहन के जाना, अपने लिए अच्छा है ना। ले लो। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते राजू बेटा, मैं देख तो नहीं सकता, मगर जब मेरी आंखें थी तो मैंने लक्ष्मी माता की मूरत देखी थी। बरखा की सूरत जरूर बैठी हुई। पिताजी, गरीब गरीब का दुख न बांटे तो फिर कौन बांटे? लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस मिल में तुम एक मामूली ओहदे पर नौकरी करोगे, जहाँ तुम्हारा बड़ा भाई मैनेजर है। क्या ये अच्छा लगेगा? तो क्या हुआ मां, भाई की इज्जत के लिए हम तो भूखे मर जाए। कोई हज नहीं बेटा, जब फूल और कांटे एक डाली पर नहीं उठते। अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत का ख्याल है तो अपने साथियों से न बताना कि तुम सोहन के भाई हो, और किसी को पता चल भी जाए तो क्या हुआ? मजदूरी करके पेट पालना कोई पाप नहीं, शर्म नहीं चाहिए सोहन भैया को? मुझे किस बात की शर्म? लेकिन बेटा। हाँ हाँ भैया, ठीक है, तुम रोज सुबह नौकरी पे जाया करना, मैं माता पिता का ख्याल रखूंगी। और जब तुम शाम में लौट कर आओगे ना भैया, तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के दूंगी। लेकिन देखो भैया, पहली तनख्वाह मिलते ही मिले चुनरी जरूर लाना। अरे जरूर ला के दूंगा रानू, जरूर ला के दूंगा। और अगर नहीं लाए तो? पहले कोई कौन सी बात नहीं पूरी की मैंने। ठहरो, किधर जाता है? मुझे मैनेजर से मिलना है, नौकरी के लिए आया। अरे भाई क्यों अपना वक्त खराब करते हो, यहाँ तो मैनेजर नौकरी से निकालता है, लगता नहीं। लेकिन मेरे पास राय साहब की चिट्ठी है,
किसी है तो जाओ अंदर, मेरी शक्ल क्या देखते हो, जाओ जाओ। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बस एक छोटी सी नौकरी के लिए आया हूँ। यहाँ कोई जगह खाली नहीं भैया, इस चिट्ठी पढ़ लो, मेरे ख्याल में जगह अपने आप खाली हो जाएगी। राय बहादुर साहब का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आए हो? भैया आपकी नौकरी मिल जाएगी ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस मिल में तुम्हारा भाई मैनेजर, उसी मिल में तुम मजदूर की नौकरी करना चाहते हो? भैया एक काम करो, कोशिश करके मुझे यहाँ मैनेजर की नौकरी दिला दो। जानता हूँ राजू, खूब अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मेरी पगड़ी उछालने के लिए ये हरकत कर रहे थे, ताकि लोगों को जब ये मालूम हो कि तुम मेरे भाई हो तो वो मुझ पर हंसे। अरे भैया कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसकी लोग शक्ल देखे और हंसे। लेकिन याद रखो, मैं यहाँ नौकरी करके अपना और अपने माँ बाप का पेट पालने आया हूँ, आपकी हंसी उड़ाने नहीं आया। तो वादा करो कि तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे कि तुम मेरे छोटे भाई। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, और अगर मजबूरन बताना ही पड़ा तो ये कहूंगा कि हम दोनों भाई नहीं एक ही बात को तो बेटे हैं। और सुनो, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, तुम अपने शायरी के बारूद को मिल से बाहर ही रखना। अरे भैया जी अभी तो पेट की आग बुझाने की जिक्र में, पर आग लगाने की बारी आई तो सोच लूंगा। भैया मुझे यहाँ से झाड़ू देते, और भैया माँ कहती है ये बहुत कीमती है। हाँ बेटे असली हीरे की है ये। हाँ। लेकिन माँ ये अंगूठी हम गरीबों के क्वार्टर में आई करते, भगवान जाने वो शायद माँ अपने घर में बड़े बाप की बेटी आई थी ना। हाँ मेरे ख्याल में उसकी है। हाँ ये हो सकता है। लेकिन भैया कोई जरूरी तो नहीं की अंगूठी उसी की हो सकता है, भगवान ने हमारी हालत को कर्ज खाकर ये अंगूठी हमारे घर भेज दी है ना। माँ बकरी एक बात बोलूं, वो अपना भगवान है ना भगवान, वो ऐसी अंगूठियां भेजा नहीं करता, बल्कि ऐसी अंगूठियां कमाने के लिए आदमी को हाथ पांव देता है, हाथ पांव समझी। माँ मैं ये लौटा के आता हूँ। अरे भैया वो तुम्हारे बिगर चक्कर की चाय है ना, वो तैयार है भैया, तो पिला दो जल्दी। माँ ला तब तक मैं चावल साफ कर। अरे तू क्या चावल साफ करेगा बेटा, देख तू सही फर्स्ट क्लास अभी की रहता हूँ। पंडित आए ये कहाँ की तैयारी है? देख पंडित ये रोज की खिचड़ी अच्छी नहीं, तू मेरा हिसाब था मैं अपने मेके से भी। अरे अरे कैसा हिसाब, मैंने तेरे बाप का कुछ देना है क्या? तू क्या शादी के वक्त दहेज नहीं लाया था क्या? अरे वाह, तूने अपने बाप को राजा भोज सरे रखा है क्या? छुकरे के पास बरात को खिलाने के लिए तो पैसा नहीं था। अरे वो दहेज किधर से देता? देख देख पंडित मेरे बाप का नाम मत ले, मेरा बाप गरीब थे लेकिन इज्जत आबरू वाला आदमी था। अरे तो चल ही जाना उस इज्जत आबरू वाले के पास, यहाँ क्या रखा है? जा रही हूँ जा रही हूँ, आज मैं सचमुच जा रही हूँ, समझे? जा रही हूँ। बाबू अंदर कहाँ जा रहे हो? सरिता देवी से मिलना है, क्या काम है उनसे? तुम्हें नहीं बता सकता? तो फिर अंदर भी नहीं जा सकते अगर तो ऐसे रहे हो जैसे सरिता देवी से लगन करने आए हो। सुनो अगर ऐसे ही रहता हूं तो अरे जा जाओ बाबू, ये मुंह और चने की दाल। अरे चने की दाल नहीं मसूर की दाल। अरे बाबू चने की दाल महंगी होती है, चने की दाल घोड़े खाते हैं। तुम्हें मालूम होगा। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए नंदन। लेकिन बरखा ये श्रीमान जानेंगे तब ना। चोरो पंडित इन्हें क्यों रोकता है, चलिए मैं आपको ले जाती हूँ। अरे अरे क्या करती है, जोर अनर्थ, अपने पति के जीते जी प्राय पुरुष का हाथ पकड़ती है। एक बार ही सौ बार पकड़ूंगी। अरे सौ बार क्या, तू हजार बार पकड़, अगर आप पकड़ के आगे मैं गर्व अंदर चला गया। अब क्या बाबू ठहर जा, मैं तुझे बाद में समझूंगा, पहले इससे समझ लू। अरे ओ मूर्खा तुझे खबर है, शास्त्र में लिखा है जो ज्ञानता इसी प्राय पुरुष का हाथ पकड़े वो नर्क की अधिकारण होती है। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि जो पति ब्याह के बाद पत्नी पर जुल्म करता है न वो नर्क का अधिकारी रहता है न स्वर्ग का, बल्कि मरने के बाद भूत प्रेत बनकर हवा में लटकता रहता है। पंडित बहन अगर मैं भूत बनूंगा तो तू भी चुड़ैल बनकर हवा में उड़ती फिरेगी। अच्छा अब ये बता कि ये था कौन, वरना मैं तो छोड़ दूंगा। वो तो मेरा धर्म का भाई था।
धर्म का भाई, यानी मेरे धर्म के साले भाई, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अरे मैं उसकी सेवा करता, खातिर करता, लड्डू पेड़ा दूध मलाई बर्फी जलेबी खिलाता है। चलो अब गुस्से को थूक दो, बस आ गए ना खुशामद पर। नहीं देख पंडितायन, ये घर गृहस्थी तो चक्की के समान होती है, है? और चक्की के दो पत्थर होते हैं, अगर एक पत्थर अपनी जगह से हट जाए तो बताओ फिर चक्की कैसे चले, ठीक है ना? अब गुस्से को थूक दो। हाँ मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं अपने कान पकड़, नहीं मैं अपने कान पकड़ता हूँ और माफी मांगता हूँ। ये तुम बोझा क्यों ढाके बैठी हो? आप क्या इसे तांबे की अंगूठी समझते हैं? सोना कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं सका। ये चमकने वाली चीज जिसे आप पत्थर कह रहे हैं, पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। हीरा भी तो पत्थर ही होता है साहब। शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि इसकी कीमत 10,000 रुपए है। जरूर होगी, लेकिन मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वो सिर्फ कंकर होती है। अच्छा हुआ ये अंगूठी आपके हाथ लग गई, वरना नुकसान होकर ही रहता। अरे बरखा, तुझे चाय लाने के लिए किसने कहा था? अगर आपने नहीं कहा तो इसका मतलब ये तो नहीं तो पहली बार घर आए मेहमान का स्वागत मैं भी न करूं। अच्छा आइए, हमारे घर से एक पहली चाय तुझे की जाएगी। जी मैं चाय नहीं। सरिता देवी, मैंने अपनी छोटी बहन को वचन दे रखा है कि जब तक उसके लिए एक अच्छी चुनरी नहीं खरीद लाऊंगा तुम्हें अभी कोई मीठी चीज मुंह को नहीं लगाऊंगा। आप पीजिए ना। मैं तो सिर्फ एक बार सुबह को क्या ले दो बरखा, ले जाती हूँ, मेहनत भी की और फल भी न मिला। अब चलूं? बस इतनी जल्दी? ये काफी देर हो गई, फिर कर। सुनिए तो, फिर कब आइएगा? फिर कभी कोई गिरी हुई चीज घर में मिल गई तो आ जाऊंगा। आप तो मजाक करते हैं। देखिए जब अगली बार आइएगा ना अपनी छोटी बहन को जरूर साथ लेते आना। जी हो सका तो जरूर ले आऊंगा। माफ कीजिएगा, ये गाना आपने कहाँ से सीखा? ये गाना नहीं, ये तो मेरे मनपसंद कवि सेवक की कविता है। तो सेवक हाजिर है? सेवक? क्या मतलब? जी मतलब ये कि सेवक के नाम से सेवक ही लिखता है। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? सरिता जी, क्या मैं शक्ल सूरत से शायर नहीं लिखता? मेरे ख्याल में तो एक शायर में जितनी भी खूबियां होनी चाहिए वो सब मुझ में मौजूद है। वही मुरझाई हुई सूरत, बिखरे हुए बाल, आंखों में मौत का इंतजार, और देखिए ये मेरी कविता का पुलंदा भी मेरे पास मौजूद है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ही सूरत लिखे। अगर कोई नई कविता लिखी तो कहिए ना। ये ऐसी कोई खास चीज नहीं, लेकिन कभी कभी टूटे फूटे लफ्जों में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। तो वही सुनाइए ना। ठीक
सुनिए, शायद आपको पसंद आ जाए। जिस दिन इस दुनिया से नफरत और खुदगर्जी मिट जाएगी, जिस दिन इस दुनिया से नफरत और खुदगर्जी मिट जाएगी, उस रोज इंसान नाचेगा, उस रोज ये धरती गाएगी, उस रोज ये धरती गाएगी। इस टुकड़े पर हक मेरा है, उस चप पे पर हक तेरा है, इस टुकड़े पर हक मेरा है, उस चप्पे पर हक तेरा है, इस वहम में जब तक है दुनिया, समझो के दूर सवेरा है, जब दुख सुख सब मिल बांटेंगे और उल्फत साज बजाएगी, उस रोज ये इंसान नाचेगा, उस रोज ये धरती गाएगी, उस रोज ये धरती गाएगी। इंसान के दिल में जब तक भी ताकत का नशा और लालच है, इंसान के दिल में जब तक भी ताकत का नशा और लालच है, ये दुनिया जहन्नुम ही होगी, ये आज सच कल भी सच है, जब अपनी अपनी मेहनत ही सबकी दौलत कहलाएगी, उस रोज इंसान नाचेगा, उस रोज धरती गाएगी, उस रोज धरती गाएगी। का उजाला सबका है, चंदा की चंदनिया सबकी है, सूरज का उजाला सबका है, चंदा की चंदनिया सबकी है, इंसान अभी पैदा न हुआ था, रीत ये कायम जब की है, जब दुई के बादल बिखरेंगे और प्रीत किरण मुस्काएगी, उस रोज इंसान नाचेगा, उस रोज धरती गाएगी, उस रोज धरती गाएगी। जिस दिन इस दुनिया से नफरत और खुद गर्दी मिट जाएगी, उस रोज इंसान नाचेगा, उस रोज धरती गाएगी, उस रोज धरती गाएगी। बहुत ही सुंदर, आपके हर कविता में सोशलिज्म का संदेश होता है। जी, सोशलिज्म वगैरह तो मैं कुछ जानता नहीं, जो महसूस करता हूँ वो कह देता। अच्छा, फिर मुलाकात होगी।
लेकिन अपनी छोटी बहन को साथ लाना ना भूलेगा। अरे राजू, तू यहां तुम्हारे साथ क्या काम? भैया काम तो किसी वक्त भी पड़ सकता है। क्या भाभी साहब तुमने आए? जी नहीं, उनकी बेटी है सरिता की। कमाल, इतने सालों से मैं रायबहादुर साहब की मिल का मैनेजर, सरिता से बात करने का मेरा तो कभी हौसला नहीं पड़ा। भैया ये तो अपने अपने हौसले की बात है। मेरा मतलब है राजू कि बड़े आदमियों को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। अरे भैया दूर नजदीक की तो बात छोड़ो, मैं प्रणाम करना ही छोड़ दूंगा, अब तो खुश हो ना। पैसा जाओ काम करो। सरजू दाल में जरूर कुछ काला है, राजू को रायबहादुर के घर देखकर मेरा तो रंग पीला हो गया। अरे बड़ा तूफानी लड़का है, अपनी औकात और राय बहादुर का घराना तो देखे। समझ में नहीं आता कि सरिता ने आखिर एक भिकमंगे को कैसे मुंह लगा लिया। छोड़िए, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, ना जात बात। लेकिन आपने राय बहादुर से मेरे भैया के बारे में बात तो की होगी? भैया आजकल मेरी वलायत से आने वाले हैं, बस आते ही शादी की बात पक्की कर दीजिए। क्या तुम्हें और पास दिया? वो तो ठीक है, लेकिन राय बहादुर लड़के को अच्छी तरह देखे बगैर बात पक्की नहीं करेंगे। अच्छी शौक से देखिए मेरे भाई को, खराब सोना है, वलायत से बैरिस्ट्री पास करके आ रहा है, और शक्लपुर उसमें भी किसी से कम नहीं। रहा दौलत का सवाल, तो राय बहादुर के अपने घर में दौलत की कौन सी कमी है जो जमाई की दौलत देखेंगे। मगध में वाले में जिस दिन मैं लंदन से चला हूँ क्या हुआ? ओ माय गॉड, इतनी बर्फ पड़ी है, इतनी बर्फ पड़ी है कि जितने तार घर थे और डाकखाने थे सब बंद। अच्छा। यहाँ तक कि एरोप्लेन का इंजन जम गया, उस पायलट को इंजन गर्म कर करके प्लेन चलाना पड़ा है। जो तुम समुद्र पास से खैरियत से तो पहुँच गए, हमने तुम्हारी शादी का भी बंदोबस्त कर रखा है। शादी? शी मीन्स मैरिज, यानी इस एज में शादी, बचपन में शादी। अरे प्रेम, अब तुम बच्चे नहीं हो, इसके ऊपर होने को आए। लुक माई वेरी डियर ब्रदर इन लॉ, ये है हिंदुस्तान। हमारे इंग्लैंड में 40 के बाद जवानी शुरू होती है, यानी लाइफ स्टार्ट आफ्टर 30। इस बात को थोड़ी ये बताइए लड़की के। बिल्कुल देवी है, देवी देवी। माई गॉड, यानी वो पत्थर की होगी। मैंने शादी का उनका मतलब है कि उसका स्वभाव देवी जैसा है। ओह दैट्स वेरी राइट। अच्छा पढ़ी लिखी कितनी है? बीए पास। बीए? वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। अरे मगर सुनो तो, जानते हो वो लड़की राय बहादुर बद्रीनाथ की अकलौती बेटी है, और राय बहादुर बद्रीनाथ कम अज कम नहीं तो 50 लाख का आदमी है। 50 लाख? ओनली 50 लाख बस? अरे साहब हमारे लंदन में ये 20-25 लाख वाले तो फुटपाथ पर अखबार बेचते हैं, अखबार। मगर सर अगर आप लोग फोर्स करते हैं, आप लोग इंसिस्ट करते हैं, आप लोग जोर देते हैं, तो मैं शादी करने पर राजी हूँ। मगर एक बात, शादी से पहले एक चीज का फैसला हो जाना चाहिए। क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो कि राय बहादुर की मौत के बाद जायदाद की वारिस क्या वो लड़की होगी? अरे अभी तो उन्होंने कहा है कि राय बहादुर की इकलौती बेटी है। इकलौती मींस ओनली चाइल्ड? दैट्स वंडरफुल, आई एम रेडी। मैं शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ, वरना प्रेम ना तारक ला अपनी डिग्री कभी इंसल्ट नहीं कराएगा। वेरी गुड, इतना बड़ा, यानी हाइट ऑफ फादर एंड ब्रेन ऑफ द मदर। मेरी भी लंदन से कल है मामा। बहुत खुश लाया बेटे, कम ऑन सिट डाउन। जल्दी बोलो मामा, मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए बहुत सामान लाया हूँ बेटा, मगर दरअसल बात यह है कि मैं जल्दी में आ गया हवाई जहाज से, और तुम्हारा सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी के जहाज से आ रहा है। तुम खाली हाथ आए मामा? अरे नहीं बेटा, खाली हाथ साहब, अजी मिस्टर साहब, अजी मेरा तो चुपता कर दीजिए। अजी मुसीबत है, कोई सुनता ही नहीं। क्या बात है, बैठो ना। नहीं, कोई खास बात नहीं है भाई साहब, दरअसल है क्या कि वो टैक्सी वाला बाहर खड़ा है, और है क्या कि मेरे पास है सर इंग्लिश नोट, मैंने उसको 1 पाउंड दिया, यानी 1 पाउंड और 13 रुपीज इंग्लिश पाउंड। बेवकूफ कहता कि ये उल्टे सीधे कागज यहाँ नहीं चलेंगे, लुक एट इट इडियट। भाई साहब ये गलत बात है, पैसा आप मुझे दीजिए, मैं देख आता हूँ। प्रेम तुम बैठो, मैं दे आता। चलो भैया नाश्ता पानी करो। नाश्ता पानी तो हो जाएगा बहन, मैं एक चक्कर में पड़ रहा हूँ। क्या?
कि मेरे पास है इंग्लिश नोट, इंडियन नोट का क्या? हेलो मिस्टर सोहनलाल, हेलो, इट्स गुड टू सी यू। भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक बात तो बताओ कि आखिर वो जो वो रायबहादुर साहब है उनका क्या हुआ? उन्हीं के यहाँ से तो आ रहा हूँ भैया, उन्होंने मुलाकात का कल टाइम दिया है। कल यानी टुमारो? वाई नॉट टुडे, आज क्यों नहीं? माई डियर ब्रदर, आपको चाहिए कि आप उन्हें ये समझाएं कि लड़की पराया धन होती है, अनदर पर्सन प्रॉपर्टी। जितनी जल्दी ये कर्जा अदा हो जाए सर से बोझ हल्का हो जाता है। भैया बहुत उतावले हो रहे हो क्या? नो माई डियर सिस्टर, नो, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, न कोई फिक्र है। अगर फिक्र है तो इंग्लैंड जाने। आप जानती नहीं है कि वहां मेरे बगैर बहुत से कोर्ट बंद है। तो कल राय बहादुर साहब यहाँ तो जा ही रहे, उनकी तसल्ली हो जाए तो फिर शादी में क्या देर है? जाने राय बहादुर की तसल्ली में आपको कोई शक नहीं? मेरा मतलब ये था। लुक हियर माय डियर ब्रदर, मिस्टर सोहनलाल, प्रेमनाथ से जो पहली मरतबा मिलता है दीवाना हो जाता है, और दूसरी मरतबा मिलता है तो बस पागल, यानी मैड। दिस इज कॉल्ड मेस्मरिज्म ऑफ पर्सनालिटी। जानता हूँ भैया, तुम बड़े जादूगर हो, दरोगा हो, और फिर क्यों ना हो, आधी दुनिया का सफर भी तो कर चुके हो। आधी दुनिया? आई बेग योर पार्डन, 3/4 दुनिया। आई एम सॉरी। देखो वो जो तुम्हारे लिए मैं नई साड़ी लाया था ना, कल वो पहनकर चलना। अच्छा याद दिलाया, मैं वही पहनू। भैया बड़ी खूबसूरत साड़ी है। आओ प्रतिमा, तुम भी खेलो ना। नहीं शारदा, तुम लोग भी खेलो। मेरी किस्मत में तो दूर से बैठ के ही देखना लिखा है। अरे जाओ जाओ, तुम लोग खेलो, मैं तुम लोगों को देख के बहुत खुश होंगी। जाओ ना, खेलो जाओ। राजू भैया, आज आपकी पहली तनख्वाह है, चलिए सिनेमा देखें। रामू भैया, मैंने अपनी छोटी बहन से वादा किया था कि जिस दिन मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी ना जी, तो उसके लिए खूबसूरत से चुनरी खरीद कर लाऊंगा। अच्छा, आज वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा भैया। चलो
हम सबसे पहले इसे अस्पताल ले जाएं। चलो। वादा पूरा करने में थोड़ी देर हो गई, तू हमेशा के लिए रूठ गई मुझसे। पगली, बहनें तो कितना इंतजार करती हैं भाइयों का, फिर तुझे इतनी जल्दी क्या थी? पत्नी, कौन भैया कहेगी मुझे किसके लिए चुनरी लाऊंगा? कौन राखी बांधेगी मुझे? कौन टीका लगाएगी मैं? पगली, इतना तो बता देना था कि जिनकी बहनें नहीं होती वो भाई सुंदर कैसे होते हैं, कैसे जीते हैं वो? क्या कर दिया ये सब? अगर मैं जानता मेरी चुनरी तरह कफन बन जाएगी तो तेरी कसम बहन में इसे कभी नहीं लाता। तशरीफ रखिए। मिस्टर प्रेमनाथ, तशरीफ। थैंक यू। नहायत खूबसूरत मकान है और इसकी सजावट में एक समझिए कि एक टेस्ट दिखाई देता। क्यों ना हो, जिस घर में लक्ष्मी का निवास वहां किस चीज की कमी हो सकती है? नो 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 भाई साहब, नो, हम आपकी इस बात से अग्री नहीं करते। हमने बहुत से करोड़पति ऐसे देखे हैं कि जिन्हें पैजामा बांधने की और पहनने तक की कमी थी। ये तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि दौलत होना और दौलत खर्च करना दोनों अलग अलग आर्ट। देयर यू आर, यू गॉट माई पॉइंट देयर सर। मिस्टर प्रेमनाथ जी, आप इंग्लैंड कब गए? हम इंग्लैंड समझिए कि बस ये समझिए कि बचपना यहाँ गुजरा, जरा जरा सी मूछे आई तो हम यहाँ से हायर स्टडीज के लिए बुलाए चले गए। सालाना एवरेज। और हाँ, हम इससे बहुत ज्यादा कर सकते थे मगर हम में एक बहुत बड़ी बुराई है राय साहब। आई हैव गॉट अ वेरी बैड हैबिट। व्हाट्स दैट? झूठे केस को शराब की तरह से कभी हाथ नहीं लगाया। नेवर टच्ड इट। वेरी फाइन, वेरी फाइन। नाउ लेट अस सिट डाउन। देखिए, आपने ठीक कहा, जब ईमानदारी से पेट भर सकता हो तो बेईमानी की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली सर, यू गॉट माई पॉइंट। देखिए, मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा कि मुझे आपकी हैसियत जाननी है। दौलत तो इस घर में बेशुमार है। आई एम श्योर कि अपनी बेटी सरिता के लिए एक अच्छा सा यानी वेल एजुकेटेड लड़का चाहिए। आपकी दुआ से हम बारह लौट हुए ही और फिर अनकरीब हमारी अंग्रेजी में दो किताबें छपने वाली हैं। अच्छा जी हाँ, वो कौन सी? एक का नाम है वन इज कॉल्ड कॉल्ड अ पाइप विदाउट वाटर, अ पाइप विदाउट वाटर, एंड द सेकेंड वन इज मैरिज इन मून। क्या खूब, क्या खूब। थैंक यू सर। सोहनलाल जी, ये रिश्ता पक्का ही समझ लीजिए। शुक्रिया राय सर, मैं अपनी बेटी सरिता से इनका परिचय करवा देता हूँ। बेटा सरिता, सरिता, सरिता। जी डैडी। आओ बेटा, इन्हें तो तुम पहचानते ही हो। ये हैं मिसेस सोहला और ये मिस्टर प्रेमनाथ बैरिस्टर। ओह, इंडियन स्टाइल, दैट इज वेरी गुड, आई लाइक इट। नमस्ते। चलो बेटा। मिस्टर प्रेमनाथ,
आपकी तरह सरिता को भी लिटरेचर का बहुत शौक है। हिंदी में गीत भी लिखती रहती है और गला भी बहुत सुंदर पाया। ब्यूटीफुल फाउंड ऑफ लिटरेचर, अ गुड सिंगर एंड अ पोएटिस, मार्वेलस इंडीड। और क्यों नहीं साहब, जब आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आपकी बेटी तो 100% इंटेलिजेंट होगी। बाबू जी तो यूं ही तारीफ करते हैं, बस शौक से ही है। यही तारीफ करता हूँ। सोहनलाल जी, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, चलिए हम लोग चलें और इन बच्चों को आपस में बातचीत करने दें। चलिए सोहनलाल जी, चलिए। मैं भी चलती हूँ, कुंदन का स्कूल से लौटने का वक्त हो गया है। हाँ चलो। नमस्ते। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? इतना शर्मा क्यों रही हैं आप? ये तकल्लुफ क्यों? जी तकल्लुफ कैसा, अपना घर है। यही समझकर तो मैं भी यहाँ रुक गया। अच्छा तो अपनी लिखी हुई कोई फटती सी चीज अपनी स्वीट वॉइस में सुना दीजिए। जी मैं तो सिर्फ कॉमेडी गीत लिखती हूँ। कॉमेडी? वंडरफुल। हमारे इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर शायर सैंडो मंज ने कहा है कि किसी को रुलाना तो बहुत आसान है लेकिन हंसाना इज वेरी डिफिकल्ट। प्लीज कुछ सुनाइए ना। देखिए सिर्फ तुबंदी करती हूँ, आप मेरे मजाक तो नहीं उड़ेंगे? अब आप खाकसारी से काम ले रही हैं। प्लीज सिट डाउन प्लीज। Yeah।